कश्मीर प्रिज्म में आपका खैर मकदम। मैं हूं शाहिन कोई मलिक। जैसा कि आप जानते हैं कि तारीखी मगर रोड शोपियान डिस्ट्रिक्ट को जिला पुंछ के साथ जोड़ता है, तो आज मगर रोड बंद है क्योंकि दिसंबर में जो बर्फबारी हुई उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से इसको ट्रैफिक के लिए बंद करने का फैसला किया गया। बर्फबारी जो एक्यूमुलेट हुई थी यहाँ पर उसको हटाने के लिए आज एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कुछ मशीनें भेजी गई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बर्फ़ हटाने का काम स्टार्ट किया गया है आज एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से। हम यहाँ पर बात करेंगे R&B डिपार्टमेंट के अफसरान से, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या रद्द अमल है इसके बारे में, और उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अब बर्फ़ हटाने का काम स्टार्ट हुआ है तो कितनी जल्दी ये बर्फ़ हटाने का काम ख़त्म होगा और ट्रैफिक को यहाँ से आने जाने के लिए खोल दिया जाएगा। सर, कश्मीर में आपका खैर मकदम। मगर रोड खोलने के लिए लोगों ने यहाँ पे बहुत सारी डिमांड्स रखी थी। आज यहाँ पे जैसा हम देख सकते हैं कि मशीन भेजी गई एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से मगर रोड को बर्फ़ हटाने के लिए, जो कि लगभग 4 महीने से बंद है, तो इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। जैसा आप जानते हो, आप यहाँ के लोकल हैं, ये विंटर्स में हमेशा बंद रहता है मगर रोड, क्योंकि काफ़ी बर्फबारी होती है, तो हर साल इसको मार्च के महीने में हम काम रीओपनिंग का काम स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला काम यह होता है कि स्नो क्लियरिंग, जो कि आज 10th of March आज से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट की काविशों से सबल हो रहा है। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि 4 महीनों से मगर रोड बंद हुआ है, तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कितनी देर में ये मगर रोड, मतलब काम इसका ख़त्म हो जाएगा बर्फ़ हटाने का, और कब खोला जाएगा गवर्नमेंट की जानकारी? देखिए, क्लियरेंस का जो ये है, ये डिपेंड करता है कि आगे बर्फ़ कितनी हो। हमारी कोशिश ये होगी कि जितना भी जल्दी हो सके इसको हम क्लियर कर पाएँ। आज से हमने काम स्टार्ट किया है, लगता है कि अप्रैल तक हम इसको क्लियर करें। सर, हमने कुछ लोकल से यहाँ पे बात की थी इससे पहले, उनसे जानने की कोशिश की थी मगर रोड के बारे में, और ताजर बरादरी से खासकर जो कि डिपेंडेंट है मगर रोड पे, जिन्होंने अपने होटल्स और रेस्टोरेंट्स डाले हैं मगर रोड के किनारे पर, और कुछ टूरिस्टों से भी बात की थी जो यहाँ पे आए थे, वो यहाँ से आगे नहीं जा पा रहे थे, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा यहाँ आने के लिए? उनके लिए मैसेज यही रहेगा कि आज का हमने काम स्टार्ट किया है, होपफुली इसको हम अप्रैल तक खोल देंगे, उसके बाद वो आ सकते हैं शौक से और एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू सर हमारे साथ बात करने के लिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शाजिया कोसर है। आप कहाँ से? इंडिया से, बैंगलोर, मतलब बैंगलोर से। हाँ। आप यहाँ आई हैं कुछ दिनों से, आपको कैसा लगा कश्मीर? कश्मीर मतलब जन्नत कहीं है तो बस कश्मीर में है, और बहुत अच्छा लग रहा है मैं यहाँ पर आकर। अभी कल ही आए हैं हम लोग, ये हमारा स्टार्टिंग डे है, फर्स्ट डे है ये हमारा, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर। अभी से बहुत मज़ा आ रहा है। सर, आप कश्मीर में कितने दिन से हैं? कश्मीर में आए 2 दिन हुए। सर, कैसा लगा कश्मीर इन 2 दिनों में? सर, ये तो जन्नत बोलते हैं, अल्लाह ताला से जन्नत जब बोलते हैं ना, उसका खाली नमूना है ये जी। नमूना है, इसको देखो खुश हो रहे हैं, तो आगे तो बहुत खुश होना चाहिए हमको। पीर की गली अभी मैं सुन के आया था, मैं पीर की गली, हमको बोला गया कि इधर लेके जाएंगे करके, अभी उधर के लिए आए थे हम, तो क्या हुआ अभी इधर उधर वो पकड़ लिया ना, बाद में फिर बोल लिया कि नहीं होगा करके, आगे तो रास्ता बंद है करके, थोड़ा कुछ फैसिलिटी कर देते तो अच्छा हो जाता, हम दूर से आते इतने दूर से तो उसमें आसानी हो जाती है। सर, आप यहाँ से आगे क्यों नहीं गए मगर रोड से आगे? नहीं, जाना तो हमको था, मगर जो है ना रास्ता पूरा बंद हुआ है, नहीं तो हमको जाना ही था, जा नहीं पा रहे हैं। आपने दबजन और पीर गली का नाम सुना है? हाँ हाँ, हमको जाना उधर ही था कि स्नो तो खैर छोड़िए, गुलमर्ग में सब जब मिलता है, मगर हमको जाना उधर ही था तो जा नहीं पाए। क्यों नहीं जा पाए सर? बर्फ़ है, बर्फ़ हटाई नहीं। सर, बेंगलोर से आए हैं, आप बेंगलोर के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कश्मीर आने के लिए? सर, कश्मीर आइए सर, कश्मीर आने से मालूम पड़ेगा सर, कश्मीर आने से कश्मीर क्या है करके मालूम पड़ेगा, खाली फ़ोन में सुनेंगे, बाद में सुनेंगे, नहीं मालूम पड़ेगा। मैं खुद बोलता हूँ, मैं दिल से बोलता हूँ, अल्लाह गवाह है, मैं बोल रहा हूँ कश्मीर आएंगे तभी मालूम पड़ेगा कश्मीर के लोग कैसे हैं, और जो फोटो में ये सब दिखाते हैं ये बेकार का बात है। ऐसे ही मजीद वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे, मिलते हैं हमारी नई वीडियो में। दीजिए कैमरामैन आमिर जाहिद के साथ मैं शाहिन कोई मलिक को इजाज़त। कश्मीर प्रिज्म।